ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयः चक्षु उन्मीलतम् एनम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। अभी तक भगवान श्री कृष्ण सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा ने आप सब लोगों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के बारे में, प्रकृति के गुण विभागों के बारे में अनेक बातें आपको ज्ञान और विज्ञान और प्रकृति के बारे में बताई। भगवान गीता में पहली बार ये बताने जा रहे हैं कि सत्य गुण के समय अगर कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाए, व्यक्ति मर जाए, तो उसकी क्या गति होती है। यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देह व्रतो तदुत्तम विदां लोकान मलान प्रति पद्धते। यदा सत्वे प्रबद्धे तु प्रलयं यान्ति देहव्रत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रति पद्धते। यदा जब यानी जिस समय देहव्रत यानी यह मनुष्य सत्वे यानी सत्व गुण की प्रबद्धे यानी वृद्धि में प्रलयं यानी मृत्यु को याति यानी प्राप्त होता है तदा यानी तब तू यानी तो उत्तम विदाम उत्तम कार्य करने वालों के अमलाम बिना मल के यानी अपवित्रता से रहित निर्मलता से युक्त लोकान लोकों को प्रतिपद्धते यानी प्राप्त हो जाता है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। गीता के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा नरों के अयन नारायण सर्वत्र व्याप्त अस्तित्व परमा एकमात्र चेतन जड़ से बिल्कुल अलग एकमात्र आत्म तत्व एकमात्र बुद्धत्व एकमात्र प्रेम स्वरूप ऐसे भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त होने के बाद भी उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सका, वो एक मनुष्य के रूप में आपके सामने आकर खड़े हुए कृष्ण के रूप में सद्गुरु के रूप में और आज भी वो सद्गुरु के रूप में खड़े रहते हैं। राहुल जब कहता है कि भगवान
तो उसकी आत्मा से आती हुई वो आवाज है कि भगवत्ता में जो जाग गया बस वो भगवान है। मैं उन लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूं जो लोग सोए हुए हैं, कि सोए हुए का क्या अपमान करना, मरे हुए में क्या लात मारना। जो भगवत्ता में नहीं जागे हैं वो लोग जीव दशा में जीते हैं, और उन लोगों के बारे में इस श्लोक में बात कही गई है। जो भगवत्ता में जाग गया वो तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों गुणों के परे निकल गया, उसको भला ये गुण क्या बांध सकेंगे। जैसे सपने की रस्सी कभी जागे हुए व्यक्ति को नहीं बांध सकती, जैसे कागज का सर्प किसी को काट नहीं सकता, जैसे दीपक की पेंटिंग कभी प्रकाश नहीं दे सकती, ऐसे जो जागृत महापुरुष होता है उसको अगर संपूर्ण माया भी एक साथ खड़ी हो जाए तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माया को पहले आप ठहरा तो लो। आप जब गहराई से साक्षी का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि मन बुद्धि चित्त आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेंगे। जिस स्वप्न में आप शेर से खाए जा रहे थे, शेर आपकी छाती पे चढ़ा बैठा था, जब वो सपने ही नहीं रहा तो सपने का शेर कहां रहेगा। इसी तरह से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये कहां रहेंगे यदि आप जाग गए। लेकिन आप नहीं जागे तो आप परमात्मा तो हैं, लेकिन सोए हुए परमात्मा हैं। आप परमात्मा तो हैं लेकिन परमात्मा की जगह जीव दशा में जी रहे परमात्मा हैं। मोह निशा सब सोबन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, रामचरित मानस में लिखा है। ये संपूर्ण संसार इन तीनों गुणों का खेल है, ये प्रकृति के गुण हैं। भगवान ने इस अध्याय में भी कहा, पिछले अध्याय में भी कहा, ये आपकी नादानी है कि आप इन गुणों को अपना समझकर इसमें फंस जाते हो। लेकिन बात इस श्लोक की हो रही है तो इसी श्लोक के बारे में मुझे बताना होगा। जब मनुष्य अच्छे अच्छे आचरण करता है उसके जीवन में प्रकाश होता है, उसके जीवन में एक आंतरिक सजगता होती है, उसके जीवन में एक ऐसी बात होती है वो कहता है कि बस अच्छा है बस वो करूंगा, जो अच्छा नहीं है वो नहीं करूंगा। अब यहां अच्छे और बुरे की परिभाषा भी समाज के द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन यहां अच्छे और बुरे की परिभाषा जो साधक होता है वो समाज की परिभाषा पे नहीं, वो अंदर की परिभाषा पे चलता है। यदि तुम्हें कांटा लगता है और तुम्हें दर्द होता है तो दूसरे के जीवन में कांटे बिछाने का तुम्हें कोई हक नहीं, ये अच्छा है। यदि तुम भोजन करके तृप्त होते हो तो दूसरे को भोजन कराना ये अच्छा है। यहां मैं सत्वगुण की बात कर रहा हूं, सत्य की बात नहीं कर रहा हूं। सत्वगुण सत्य नहीं है, सत्वगुण भी एक अच्छा सपना है, रजोगुण बीच का सपना है और तमोगुण खराब सपना है। तो अच्छा और बुरा ये तुम्हारे जगत में कंपैरेटिवल है, तुलनात्मक है। भारत में
किसी देवी को आप छू लो तो आपको 6 महीने की सजा हो जाएगी। अगर किसी देवी को बिना उसकी इच्छा के आपने छू लिया। लेकिन फ्रांस में किसी देवी को आपने अभिवादन में आलिंगन नहीं किया या उसको हाथ नहीं मिलाया या उसको उसको छुआ नहीं, और यह ना एक ऐसा भी क्रिया है कि वहां पर शायद वो चूम कर ही एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, तो वहां पर आपको आपको अपमान करने का दोषी माना जाएगा। ये अच्छा और बुरा आपका ऐसा है। कुछ एस्किमो की जनजातियां हैं, वहां कोई मेहमान जाए तो उसे वो स्वागत स्वीकार करना पड़ता है, जो भारत में जिसके लिए लोग हत्या कर देते हैं उस व्यक्ति की जो ऐसा कर देता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो सत्वगुण है वो सत्वगुण भी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल सुस्पष्ट परिभाषित हो। आपके सत्वगुण भी अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग का सत्वगुण होता है। अगर आपने उस देश और समाज की मर्यादा के विरुद्ध कोई काम किया तो आप विक्षेप में पड़ जाएंगे, आप तनाव में हो जाएंगे, आप अपने आप को अपराधी मानने लग जाएंगे। लेकिन यहां गीता में जो सत्वगुण का वर्णन किया है यह हमारे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुकूल जो वर्णन है उसका उसमें जीना इतना ही फायदा दे सकता है आपको कि आप बगैर किसी झंझट के बगैर किसी तनाव के स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सच्चा जीवन जी सकते हो और समाज के नियमानुसार और नैतिकता का जीवन जी सकते हो, क्योंकि आप सत्वगुणी हो। आपका समाज जैसे संतों का सम्मान करता है, संत भी उसी ढंग के आपके समाज में पैदा होते हैं। अगर आप के समाज में लोग अंधे हैं तो वो नाटक करने वाले बहुरूपियों को अपना गुरु और संत मान लेते हैं। अंदर से सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वासना से भरे हैं, कामना से भरे हैं, लोभ से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, संप्रदायवाद से भरे हैं, चेला चालियों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं, धन दौलत और आश्रम बनाने में लगे हैं, लेकिन आपका समाज उनको संत मानता है और आप उनके दर्शन करके आते हो और आपको बड़ी शांति लगती है क्योंकि आपका समाज उसको स्वीकृत करता है और समाज से आप प्रभावित हो, आपके समाज के नैतिक नियमों से आप प्रभावित हो। आप बड़े, अरे आज तो वो बड़े महाराज के दर्शन हम करके आए, ये आपका सत्वगुण है। जीवन भर इस नकली शांति में फंसकर और कभी कभी आप भी उसी ढंग का ताना बाना अपने आसपास बुनकर अपने आप को संत समझने लग जाते हो और सच्चाई में समझने लग जाते हो। ऐसा नहीं कि आपको मालूम हो कि आप संत नहीं हो, आपको लगता है मैं तो संत हूं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप सत्वगुण के चक्कर में फंस गए। आपके बहुत सारे सेवक हो जाते हैं, दास दासी हो जाते हैं, लोगों को आप आशीर्वाद देते हैं, जब 100 लोगों को आप आशीर्वाद देते हैं तो 20 लोगों के काम हो जाते हैं, तो 100 लोग में से 80 लोग तो मर्यादा बस संकोच बस आपकी निंदा नहीं करते, चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन वो 20 लोग बढ़ चढ़ के आपका प्रचार करते हैं, वो 20,000 लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, मेरा यह काम हो गया आपके आशीर्वाद से,
मेरा मकान नहीं बन रहा था, मकान बन गया बाबा, मैं धन्य हो गया बाबा। आपका मन आपको इस प्रकार से इन चीजों में फंसा के आप वास्तव में सच्चे हो, अच्छे हो, आप रोने भी लग जाते हो, आप हंसने भी लग जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं आप बड़े भोले हो। और उस बेचारे संत को भी नहीं पता, उसको भी भ्रांति हो गई है, वो भी सोचने लगा है कि हम वाकई में संत हो गए। आपके बड़े बड़े लोग आपके प्रवचन सुनने आने लग जाते हैं, आपकी कैसेट किताबें, माला, आसन, आपकी दवाएं बिकने लग जाती हैं, आपके आसपास व्यापारी अपनी दुकानें खोल लेते हैं, सीडी बनाने वाले सीडी की दुकानें खोल लेते हैं, लाखों लोग आपकी जयकार करते हैं, आपको अत्याधुनिक आरामदायक साधन मिल जाते हैं, आप 5 सितारा होटलों जैसे आश्रम बना लेते हैं, धरती पर आपके लिए स्वर्ग उतर आता है। आप जिस गाय का दूध पीते हैं उस गाय को बादाम और काजू खिलाए जाते हैं, क्योंकि आपको सत्वगुण का भोजन चाहिए। आप पड़े बहुत खा पी के अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं, मेवे आपके कक्ष में भरे रहते हैं, आपका बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स होता है, कब आप उठते हैं, कब आप बैठते हैं, कब आप सोते हैं, आपको छींक भी आ जाती है तो कई डॉक्टर और उनकी पत्नी आपकी सेवा में लग जाती हैं, आपको कहीं आना जाना हो तो सड़कें खाली करा ली जाती हैं, सरकारें आपको VVIP का दर्जा दे देती हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपके कार्यक्रमों में अतिथि रहते हैं, आपके ट्रस्टी तक करोड़पति हो जाते हैं, आपको इशारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी मैनेजमेंट की टीम सब कुछ संभाल लेती है, आपकी विदेश यात्राओं से लेकर तो सत्संगों तक, क्योंकि आखिर अब आप राष्ट्र संत हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से आप सत्वगुणी सन्यासी तक हो सकते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म तक आपकी कोई पहुंच नहीं, कोई पहुंच नहीं आपकी। आप एक संसारियों में से एक छांट कर अच्छे संसारी हैं, लेकिन परमात्मा के जगत में अभी आपका प्रवेश तक नहीं। परमात्मा के जगत को आप जानते तक नहीं, भले आप गीता, रामायण, उपनिषद, भागवत, योग शास्त्र, मंत्र जाप, ब्रह्मचर्य, जाने किन किन विषयों पर आप प्रवचन देते हैं, लेकिन उन कोरी पुस्तकों में और उन शब्दों में निर्जीवता होती है, आप उसको नहीं जानते कि गीता क्या कह रही है। आपके प्रवचनों में कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास होता है, आपकी सटीक दृष्टि नहीं होती, क्योंकि आप सत्वगुणी सन्यासी हैं, आपने कभी निर्गुण में छलांग नहीं लगाई है। कोई ग्रस्त भी इसी ढंग का होता है, कोई सन्यासी भी इसी ढंग का होता है। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य इस प्रकार के सत्वगुण में जीता है और इसी जीवन में उसका शरीर छूट जाता है, उसके शरीर का समय पूरा होता है, तो वो परमात्मा के लोकों को प्राप्त नहीं होता, उस सार्वत्रिक ब्रह्म में विलीन नहीं होता, उसका रूपांतरण नहीं होता, उसका विलीनीकरण नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती, वो ब्रह्म में रूपांतरित नहीं होता, सच्चिदानंद परमात्मा में उसका मिलन नहीं होता, क्योंकि वह जीव है, जीव था, जीव रहेगा। तो इतना होता है कि वो क्योंकि अच्छा जीवन जिया है, ये मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो वास्तव में सत्वगुण जीवन जिए हैं, मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो चुपके चुपके
रात में कुछ और खाते पीते हैं और कुछ और करते हैं, दिन में कुछ और करते हैं, उनके बारे में नहीं कह रहा, वो तो तमोगुणी है। तो फिर यदि ऐसी अवस्था में, ऐसे जीवन में उनका शरीर यदि छूट जाए, यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो भगवान ने यहां एक बहुत प्यारा शब्द लिखा है, यदा सत्वे प्रबुद्धे, यदि सत्व गुण के प्रबुद्धे यानी बढ़ने पर, पूरी तरह घेर लेने पर, प्रलयम, ये प्रलयम शब्द बहुत प्यारा है, इसको शब्द विज्ञानियों ने यहां पर मृत्यु के अर्थ में लिखा है, ये मृत्यु का अर्थ नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो परमात्मा से मिलन है, जो तुम मरते हो वो मृत्यु नहीं है, वो भी नकली है, तुम्हारी मृत्यु भी नकली है, तुम्हारी मृत्यु भी ओरिजिनल नहीं। मरना है तो नानक की तरह, दादू की तरह, पलटू की तरह, कबीर की तरह, रविदास की तरह, आप मरो गोरख की तरह, जब आप ही नहीं मरते बल्कि आपके तीनों शरीर भी मर जाते हैं, केवल जो नहीं मर सकता बस वही जीवित रहता है, बाकी मर सकता है वो सब कुछ मर जाता है। तो प्रलय के बारे में भगवान कहते हैं कि ये प्रलय नहीं, ये तो केवल तुम्हारे जगत की प्रलय है, इसमें कहीं लय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो देह भ्रत है, देह का गुलाम है वो, हाड़ मांस मलमूत्र के थैले में बैठा हुआ भूत है, क्योंकि यह शरीर भूत पौंगड़ा है, जैसे बैडमिंटन की शटल कॉक को रखने के लिए एक पौंगड़ा, एक बेलनाकार बॉक्स होता है, ऐसे इस शरीर को रखने के लिए ये बेलनाकार दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, दो नासा छिद्र, एक मुंह वाला, 10 इंद्रियों वाला एक कवरिंग है, एक बॉक्स है, एक पौंगड़ा है। तो ये इसको देह भ्रत कह रहे हैं भगवान, देह का भ्रत, भ्रत यानी चपरासी, भ्रत यानी गुलाम, भ्रत यानी दास, भ्रत यानी स्लैब, ये देह का चपरासी है, ये देह का सेवक है, ब्रह्म था लेकिन देह का गुलाम हो गया, काम धेनु की सेवा कर सकता था लेकिन सुअर पालने लगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो देह की गुलामी है ये दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी है, किसी आदमी की गुलामी इतनी खराब नहीं जितनी खराब इस देह की गुलामी है। और भगवान कहते हैं कि तदा यदा यानी जब, और तदा यानी तब, तो तब क्या होता है कि उत्तम विदाम, लोग उसकी उत्तम विदा करते हैं, लोग उसकी बड़ी उत्तम विदा करते हैं, एक बार एक सतोगुणी आदमी मर गया और मरने के बाद वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा, भ्रांति में मत फंस जाना, ये लघु कथा है, ये रूपक है, ये सत्य नहीं कि स्वर्ग का कोई दरवाजा होता होगा। वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा, उसके आगे जो है कल्लूमल ड्राइवर था,
कल्लूमल ड्राइवर भक्त झल्लूमल ड्राइवर ने जैसे ही दरवाजा बजाया, वहां ऑटोमेटिक सिस्टम था, स्कैनिंग हुई, फट से दरवाजा खुल गया। कल्लूमल भक्त झल्लूमल ड्राइवर अंदर चले गए और ये जो सतगुणी आदमी था वो बाहर ही खड़ा रहा। इसने दरवाजा बजाया, दरवाजा नहीं खुला तो गुस्सा आ गया, क्योंकि सतगुणी था, इसने जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इसने एक पत्थर उठाया और पत्थर से दरवाजा ठोकने लगा। स्वर्ग के यमदूत वगैरह आए, उन्होंने पकड़ा, क्या कर रहे हो? अरे बोले, कल्लूमल झल्लूमल के लिए दरवाजा खुल गया, वो तो नंबर एक का बदमाश उचक्का टाइप का आदमी था, जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं किए, मेरे पड़ोस में रहता था और मैंने इतने तीर्थ किए, सब किया, मेरे लिए दरवाजा नहीं खुल रहा। देवदूत ने कहा, आप एक काम करिए, यहां बैठ जाइए और ये जो है स्क्रीन लगी हुई है एलसीडी की, यहां से हम आपकी यमराज से बात करवाते हैं। एलसीडी तो यमराज आए, यहां स्काई पे चलती थी, यहां वहां हो सकता है स्वर्गाई पे चल रही हो। अब स्वर्गाई पे उनका कांटेक्ट हुआ, स्वर्गाई पे यमराज से उसने कहा कि हमने तो सेतु बंध रामेश्वर के 21 बार दर्शन किया और 11 बार हम केदारनाथ गए और 11 बार हम बद्रीनाथ गए और चारों शंकराचार्यों के मठों पर गए और वहां हमने यही अनुष्ठान करवाए, पूजा करवाई और 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने 11 बार किए, इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाए, इतने साधुओं को वस्त्र दिए, इतने को छाता दिया, इतने को लोटा दिया, कटोरी दी, गिलास दिए, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं लेकर आया हूं और हमारे लिए दरवाजा नहीं खुल रहा और कल्लूमल झल्लूमल ड्राइवर के लिए खुल गया। यमराज ने कहा, मूड जितना तूने तीर्थ किए थे तो प्रत्येक तीर्थ करने जब तू जाता था तो शहर से बैंड आता था और तू बैंड बजा के पूरे गांव में तुझे घोड़े पर बैठ के घुमाया जाता था कि अब ये तीर्थ करने जा रहे हैं और पूरा गांव तेरे को विदा करने आता था और फिर जब तीर्थ से तू लौटता था तो पूरा गांव तुझे लेने आता था, हार फूल मालाओं से लाद दिया जाता था और किसी के घर कोई शादी हो या कुछ भी कार्यक्रम हो या मरण मौत हो या मकान का उद्घाटन हो या कोई नई गाड़ी लाया हो, सबसे पहले वो तेरे चरण छूने आता था, तेरा मान सम्मान होता था। तो जितना तूने किया वो सब का फायदा तूने वही पृथ्वी पर उठा लिया, अब तेरा प्लस माइनस जीरो हो गया, यहां तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। कल्लूमल झल्लूमल ड्राइवर जो है वो तुम सबकी नजर में भले ही अच्छा आदमी नहीं था लेकिन वो अंदर बैठ के परमात्मा का ध्यान करता था, उतने सदगुरु बनाए थे उनके हिसाब से ध्यान करता था, इसलिए उसके लिए दरवाजा खुल गया क्योंकि उसने किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठाया अपने परमात्मा की भक्ति और ज्ञान का। जब ये सुना तो स्वर्ग में जो देवदूत दो लोग खड़े थे उनसे ये जिद करने लगा तो उन्होंने इसके पिछवाड़े पे मिला के एक लात मार दी और जैसे इसके पिछवाड़े पे लात पड़ी इसकी नींद खुल गई और इसने देखा कि इसकी पत्नी इसको जोर की थपकी देकर जगा रही है क्योंकि इसको ऑफिस जाना है। जब इसकी नींद खुली है, पसीना पसीना हो गया, इसने सोचा अरे बाप रे ऐसा भी होता है, तो फिर इसने सही इसको सन्मति आई और सदगुरु ढूंढा और फिर इसने कल्लूमल झल्लूमल ड्राइवर के हिसाब से चुपचाप होके ध्यान वगैरह करना शुरू किया, दिखावा बंद कर दिया, सतोगुणी से निर्गुण की ओर कदम बढ़ाने लगा तो फिर जब मरा तो उसका काम हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जो लोग सतोगुण में मरते हैं या जो भी जीते हैं उनकी उत्तम विदा होती है, लोग उनको बड़ा सम्मान करते हैं भले वो अज्ञानी हो।
तो क्या होता है कि मरने के बाद वो इसी लोक में आते हैं। उनको ऐसा नहीं, इसी लोक का मतलब उत्तम लोक जो गीता में लिखा है, वो उत्तम लोक का मतलब ये नहीं है, यहां भी उत्तम लोक है। तुम किसी शहर की झुग्गी झोंपड़ी में चले जाओ, वहां तुमको ठीक से पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। मच्छर काटेंगे अलग, खटमल काटेंगे अलग, काकरोच तुम्हारी दाल में गिर जाएगा, छलांग लगा लेगा। अब तुम दाल नहीं फेंक पाओगे, गरीब आदमी हो, दाल काकरोच को फेंक दोगे। तो इस प्रकार का जो जीवन है वो यहां पर वो कुछ घटिया लोग की तरह नहीं है, कम नहीं है। और यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो भोजन करके उठ जाते हैं तो उनकी झूठन इतनी होती है कि 50 आदमी भोजन कर सके। उनके भोजन में ये तो भगवान को तो आप 56 भोग लगाते हो, उनके भोजन में 100 से ज्यादा प्रकार के व्यंजन होंगे, वो जरा जरा सा चख के पेट भर लेते हैं। क्या पता कौन सी चीज सांप को पसंद आ जाए। इस प्रकार से अच्छा कर्म करके ये सतोगुण में रहने से सिर्फ एक ही लाभ होता है कि ये सपना बदल जाता है और अच्छा सपना हो जाता है, यानी अगला जन्म होता है, लेकिन है तो वो सपना। तो भगवान कहते हैं कि अम्लान प्रतिपद्धते, वह ऐसे स्थान पर जाकर जन्म ले लेता है जहां हो सकता है कि कोई निर्मल ज्ञानी महापुरुष से उसका मिलना हो जाए। अभी मेरी एक शिष्य एक बात कह रही थी, उसने कहा कि कोई हनुमान जी का ग्रुप है, जय हनुमान कोई ग्रुप है, उसने पोस्ट डाली तो वहां पर लाइक भी आए, हनुमान जी का फोटो डाला उसने, लाइक आए। लेकिन जब उसने सदगुरु की चर्चा की तो लोग कहने लगे, अरे क्या गुरु गुरु, एक और ग्रुप है और भी बहुत सारे लोग हैं जो गुरु गुरु को मानते नहीं। तो मैंने कहा उन लोगों की अभी सजा पूरी नहीं, जिन कैदियों की सजा पूरी नहीं होती वो जेल से मुक्त नहीं हो सकते, उनका मुक्ति का वारंट नहीं निकला। तो ये अविद्या, ये माया, ये जीव की एक सजा है, क्योंकि जीव जो है वो देह भ्रत है। गीता के एक एक शब्द का इतना महत्व कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो एक ही शब्द पर पूरा जीवन बोल सकता हूं, पूरा जीवन एक ही शब्द। तो वो देह भ्रत है, देह के गुलाम है, देह के चपरासी हैं, देह के सेवक हैं, देह के स्लेव हैं। उन लोगों की स्थिति यह होती है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी सत्वगुण तक पहुंच होती, इससे आगे उनकी पहुंच नहीं। तो मैंने अपनी शिष्या को बताया कि तुम बहुत बड़भागी हो, भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक ऐसा सदगुरु मिला जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण समस्त माया और समस्त प्रकृति के जंजाल से तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए, कम से कम तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों बंधन है और इनसे हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का ये जो कहना है कि यदि हम इस सत्वगुण में, इस सत्वगुण में जीते जीते मर गए तो भी हम अपने उस अवसर से वंचित हो जाएंगे जिसको मुक्ति कहते हैं। यदि हम इस सत्वगुण में जीते जीते हमारा शरीर छूट गया तो हम इस सूक्ष्म और कारण शरीर को कैसे छोड़ेंगे जो इसमें सत्वगुण का अभिमान है। यदि हम सत्वगुण में जीते जीते मर गए तो सत्वगुण में जीते जीने समय भी तुम सद्गुरु का सम्मान नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सद्गुरु को अपने आप से बराबर समझोगे या सद्गुरु को अपने से नीचा समझोगे, क्योंकि तुम्हें सत्वगुण का अहंकार है। तुम कहोगे सदगुरु यदि थोड़ा काला होगा, सांवला होगा, तो तुम कहोगे नहीं, सदगुरु से ज्यादा तो हम सुंदर हैं।
तुम अगर अंग्रेजी सदगुरु से ज्यादा अच्छी जानते होगे तो तुम कहोगे नहीं सदगुरु यार हमारे से कम जानता है। तुम अच्छा गीत गा सकोगे और सदगुरु तुम्हारे सामने अच्छा गीत नहीं गा पा सकेगा, तुम कहोगे नहीं सदगुरु से मैं अच्छा हूं। ऐसी नाना प्रकार की विधाएं तुम्हारा मन तुम्हारे सामने लाके खड़ी करेगा, क्योंकि तुम सत्वगुणी हो तो तुम सदगुरु के सामने समर्पण नहीं कर पाओगे, क्योंकि सत्वगुणी तमोगुणी रजोगुणी कोई भी व्यक्ति सदगुरु के सामने समर्पण नहीं कर सकता। सदगुरु के सामने समर्पण तो वही कर सकता है जो गहन साक्षी का अभ्यास करता हो और इन तीनों गुणों को देख लिया जिसने कि ये तीनों गुण माया है, और तभी वो समर्पण घटित होगा जब अंदर से जानना घटित होगा कि नहीं यार ये सब माया है। इसलिए मैंने आज की पोस्ट पे लिखा है यदि तुम गोरे हो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम काले हो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि तुम धनवान हो तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि तुम बहुत समृद्ध हो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि तुम बहुत शक्तिशाली हो तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि तुम्हारे पीछे लाखों लोग तुम्हारे पैर छूते हो तुम्हारी स्तुति करते हो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम काले हो गोरे हो किसी भी देश में रहते हो लेकिन मुझे केवल अंतर जब पड़ता है जब तुम जिज्ञासु हो तो मैं तुमसे राजी हूं, यदि तुम परमात्मा के मार्ग में चलने को तैयार हो तो मैं तुमसे राजी हूं, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुमसे राजी हूं, यदि तुम्हारी श्रद्धा अटूट है तो मैं तुमसे राजी हूं, यदि तुम में इतना साहस हो कि तुम अपना एक जीवन मुझे दे सकते हो तो मैं तुमसे राजी हूं, यदि तुम अपनी श्रद्धा को अखंड रख सकते हो तो मैं तुमसे राजी हूं, यदि तुम मेरा अनुशासन मेरा मार्गदर्शन और मेरे इस मार्ग से निकल सकते हो जैसे सुई में से धागा निकलता है तो मैं तुमसे राजी हूं, यदि तुम में धैर्य हो कि परमात्मा हमें मृत्यु के क्षण तक भी मिल जाएगा और ना भी मिलेगा तो हमें मंजूर है तो मैं तुमसे राजी हूं, इतना तुम्हें धैर्य हो सबूरी हो, यदि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा हो जो किसी भी तरह से ना टूटे, चाहे कोई मेरी निंदा करे चाहे कोई मेरी बुराई बताए चाहे कोई ये कहे कि ऐसे कमाने जाते हैं ये ऐसे कपड़े पहनते हैं इनके परिवार में ये है इनका फलाना ये है ये तो ऐसे हैं ये तो वैसे हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे और तुम डिगो नहीं तुम्हारी श्रद्धा न टूटे तो मैं तुमसे राजी हूं, तुम्हें उसमें लिखा है तो ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें जरूर ज्ञान करा सकता हूं, क्योंकि जिज्ञासु अपनी मृत्यु अपने हाथ से अपनी आत्महत्या कर लेता है, सदगुरु नहीं चाहता, सदगुरु उसको ब्रह्मवेत्ता बनाना चाहता है, सदगुरु उसको ज्ञान कराना चाहता है, पर जिज्ञासु यदि खुद ही अपनी आंखें फोड़ ले तो आज सदगुरु कुछ नहीं कर सकता, तुम मुझे तुम्हारा सहयोग इसमें जरूर लगेगा, अगर तुम सोचो कि मैं ही कर लूं और तुम ना करो तो आप निश्चित मानना कि आपकी सजा भी पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको कम से कम सदगुरु का इतना सहयोग तो करना पड़ेगा कि सदगुरु जो ध्यान का मार्ग आपको सिखाए उसे आप ईमानदारी से करना है, सदगुरु जो आपको प्रवचन में समझाए उसको समझकर माया से हटने का प्रयास करना है, मन बुद्धि चित्त के द्वारा लाए हुए झंझावातों और तूफानों में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के भवन में घुस कर ही तुम बच सकते हो, और मेरा हृदय आप सब लोगों के लिए सदा खुला हुआ है, उनके लिए जो इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना चाहते हूँ, उनके लिए जो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानना चाहते हो, उनके लिए जो मेरे
हृदय से अपना हृदय मिलाना चाहते हों, उनके लिए जिनके मन में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण द्वारा आने वाले कचरे से हटकर जो जीना सीख रहे हों, सीख सकते हों, उनके लिए मेरा हृदय सदैव खुला है और खुला रहेगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यदि आप में पात्रता है तो मैं आपको जरूर भर दूंगा। शिव। और एक बात और कहनी है, यदि आप में पात्रता ना भी हो और आप मेरे प्रेमी और मेरे साथ टिक सकें तो मैं आपको पात्रता में भी खड़ा कर दूंगा, पात्र भी बना दूंगा। शिव।